सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिहार के बाढ़ शहर के बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बाढ़ शहर के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाढ़ बिहार का एक ऐसा शहर है जो दक्षिण बिहार के पटना ज़िला में स्थित है। यह शहर पटना ज़िला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर और नगर परिषद के रूप में जाना जाता है। बाढ़ शहर गंगा नदी के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। पटना से बाढ़ शहर की दूरी महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर की ऊंचाई समुद्र तल से 47 मीटर तकरीबन 154 फुट के करीब है। बाढ़ नगर पालिका परिषद में कुल मिलाकर 27 वार्ड शामिल है। इस नगर परिषद को 27 वार्डों में बांटा गया है, जिसके लिए हर 5 वर्षों में इन वार्डों का चुनाव कराया जाता है। बाढ़ शहर बाढ़ अनुमंडल और बाढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस शहर का क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में तकरीबन 1235 एकड़ में फैला हुआ है। बाढ़ शहर में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 9,350 के करीब है। आबादी की बात करें तो बाढ़ शहर की कुल आबादी 62,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 33,000 है और महिला की आबादी 29,000 है। इस शहर का औसत लिंग अनुपात 874 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 874 महिला है। इस शहर में हिंदू धर्म की आबादी 52,000 है, यानी कि 85% और मुस्लिम धर्म की आबादी 10,000 के करीब है, यानी कि 15% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस शहर में कई ऐसे महत्वपूर्ण कॉलेज और स्कूल है जिसके माध्यम से बाढ़ शहर के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस शहर की साक्षरता दर 76% के करीब है, यानी कि यहाँ के आबादी के अनुसार 76% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष की कुल साक्षरता दर पुरुष की आबादी के अनुसार 81% और महिला की कुल साक्षरता दर महिला की आबादी के अनुसार 69% के करीब है। बाढ़ शहर के 62,000 की आबादी में लगभग 47,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 27,000 पढ़े लिखे हैं और महिला 20,000 पढ़ी लिखी है। व्यवसाय की बात करें तो बाढ़ दक्षिण बिहार का एक बहुत ही औद्योगिक शहर है। वैसे बाढ़ की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह शहर काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। यहाँ के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का और दलहन यहाँ के मुख्य फसल है। इसके अलावा इस शहर में NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के अलावा भी कई और छोटे बड़े व्यवसाय बाढ़ में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को अधिक संख्या में रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। बाढ़ शहर के आबादी के अनुसार इस शहर में 17,500 के करीब काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। पुरुष वर्कर 14,900 है, यानी कि पुरुष की आबादी के अनुसार 44% और महिला वर्कर 2,600 है, यानी कि महिला की आबादी के अनुसार 9% के करीब है। इस 17,500 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले और मजदूर भी शामिल है। इस शहर में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 28% के करीब है। दोस्तों, बाढ़ शहर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।